हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको मालूम है कि रसखान के सवैये आपके सिलेबस में शामिल हैं। इससे पहले हम सवैया के पहला, दूसरा और तीसरा सवैया के वीडियो शेयर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये चौथा सवैया है जिसे हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको भी पूरे ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। तो पहले हम रसखान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कृष्ण भक्ति की पराकाष्ठा करने वाले रसखान का कवि कुल में अत्यंत तो महत्वपूर्ण स्थान है। कवि कुल में यानी कि कवियों में बहुत इम्पोर्टेंट हैं रसखान जी। रसखान एक मुस्लिम कवि थे, लेकिन कृष्ण के प्रति उनका बहुत ज़्यादा प्रेम था। कृष्ण में उनकी बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा विश्वास था। अपने साहित्यिक ज्ञान से उन्होंने अपनी रचनाओं में भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली का उपयोग किया है। अपने उन्हें भाषा का ज्ञान था, उसके आधार पर उन्होंने भाषा में मार्मिकता लाई है। यानी कि बहुत इमोशनल उनके छंद होते हैं, उनके सवैये होते हैं। शब्दों का चयन उनका बहुत बेहतरीन होता है और व्यंजक शैली यानी कि व्यंजना, व्यंग्य भी करते हैं वो। इसमें उन्होंने व्यंग्य का इस्तेमाल किया है। इतिहासकारों के अनुसार रसखान के जन्म को लेकर आज भी बहुत मतभेद हैं। रसखान का जन्म 1590 में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पिहानी में एक मुस्लिम पठान परिवार में माना जाता है और ये दिल्ली के पास माना जाता है। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनके पिताजी का नाम गन्ने खां था, जो अपने समय के एक मशहूर कवि थे, जिन्हें खान की उपाधि प्राप्त थी। इनकी माता का नाम मिश्री देवी था, जो कि एक समाज सेविका थी। तो हमारा जो सवैया है उस पर मैं आ गई हूँ सीधे। अब कानन दै अंगुरी रही हो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। मोहिनी तानन सो रसखान, अटा चढ़े गोदन गए है पे गए है। टेरी कहो सिगरे व्रज लोगन, काली कोई कितनो समझे है। माई रिवा मुख की मुस्कान, संहारी न जय है न जय है न जय है। ये हमारा सवैया था। पूरे चार लाइनों का सवैया होता है, दोहा दो लाइन का होता है। ये सवैया है चार लाइनों का। इसमें अब हम एक एक लाइन करके पहले कठिन शब्द करेंगे, फिर उसका अर्थ करेंगे। काननी दे अंगुरी रहे हो, यानी कि काननी का मतलब कानों में, अंगुरी का मतलब उंगली, रहे हो का मतलब रहूंगी, यानी कि कानों में मैं उंगली देखकर रह जाऊंगी, कानों में मैं अपने उंगली लगा लूंगी। कब? जब ही मुरली ध्वनि मंद बजे है। जब ही का मतलब जब भी, मुरली का मतलब बांसुरी, ध्वनि का मतलब धुंध धुन, और मंद का मतलब मंद मंद धीमी धीमी, बजे है का मतलब बजाएगा। तो दोनों लाइनों का साथ में अर्थ हुआ, कानन दे अंगुरी रहे हो, जब ही मुरली ध्वनि मंद बजे है, यानी कि कानों में मैं अपनी उंगली देकर रह जाऊंगी, जब भी वो मुरली की मंद मंद धुन बजाएगा। कौन बजाएगा? यहाँ पर कृष्ण की बात हो रही है, रसखान का सवैया है। तो कृष्ण के बारे में कह रही हैं ये कि कानों में मैं उंगली दे लूँगी, कानों में उंगली रख लूँगी, जब वो यानी कि कृष्ण मुरली की मंद मंद धुन बजाएगा। अगली लाइन है, मोहिनी तानन सो रसखान, अटा चढ़े गोदन गए है पे गए है। मोहिनी, मोहिनी का मतलब मोहक, मन को मोह लेने वाली, सुंदर, अच्छी लगने वाली। तानन का मतलब तानों से, मोहिनी तानों से रसखान अटा चढ़े गोधन गए है पे गए है। यानी कि अगर वो गाएगा, अटा चढ़े अटारी पर चढ़कर, छत पर चढ़ करके अगर वो मोहिनी ताने गाएगा तो गाता रहे, गाएगा तो गाया करे। गाए है गाए, गाए गाए है पे गए है, मतलब गाएगा तो गाता रहे। शब्द है मोहिनी का मतलब मोहक, तानन का मतलब तानों से, सो का मतलब से, अटा का मतलब छत, चढ़ी का मतलब चढ़कर, गोधन का मतलब गोवर्धन, गए है पे तो गाएगा। यानी कि अगर वो मोहिनी मोहिनी ताने, रसखान जी कह रहे हैं, छत पर चढ़ करके अगर गाएगा तो गाता रहे, मैं उनको नहीं सुनूंगी। टेरे कहो सिगरे ब्रज लोगन, टेरे का मतलब बुलाकर, कहो का मतलब कह रही हूँ, सिगरे का मतलब सारे, ब्रज लोगन का मतलब ब्रज के लोगों से। काली कोई कितनो समझे है, काली का मतलब कल को, कोई कितनो समझे है, मुझे कितना समझाएगा। यानी कि मैं बुला कर के सभी ब्रज के लोगों से कह रही हूँ, कल को मुझे कोई कितना समझाएगा। माई रिवा मुख की मुस्कान, संहारी न जय है न जय है न जय है। माई रि का मतलब हे माँ,
वह मुख की मुस्कान, उस मुख की मुस्कान संहारी न जय है, संभाली नहीं जाएगी, नहीं संभाली जाएगी, नहीं संभाली जाएगी, नहीं संभाली जाएगी। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो हम शुरू में ही आ जाते हैं फिर से। वो कह रहे हैं कि मैं कानों में उंगली देकर रह जाऊंगी जब वो मीठी मीठी धुन में मुरली बजाएंगे, मैं जब वो अपनी छत पर अटारी पर चढ़ करके मोहिनी ताने गाएंगे तो गाया करे, मैं नहीं सुनूंगी। लेकिन मैं सभी ब्रज के लोगों को बुला करके कह रही हूँ कि कल कोई मुझे कितना समझाएगा, जब वो मुस्कराएगा तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। इसके बाद पूरा का पूरा यहाँ पर मैं आपको एक बार भावार्थ बता देती हूँ इसका, कि श्री कृष्ण की मुरली और उनकी मुस्कान पर आसक्त, मुस्कान पर कोई मतलब मुस्कान को देख करके बहुत ज़्यादा जो कि आकर्षित हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है, ऐसी कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि जब श्री कृष्ण मंद मंद मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी ताकि मुझे मुरली की तान जो है वो सुनाई ना पड़े और अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। फिर श्री कृष्ण ऊंची अटारी पर चढ़कर मुरली की मधुर तान छेड़ते हुए गोधनियन के ब्रज में गाए जाने वाले गीत होते हैं गाने लगेंगे, तो गाते रहें पर मुझ पर उसका भी कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं उसको भी नहीं सुनूंगी। मैं ब्रज के लोगों को पुकार पुकार कर या चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना ही समझा ले, चाहे कोई कुछ भी कर ले या कहे, लेकिन अगर मैंने श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देख ली तो मैं उसके वश में हो जाऊंगी। हे माँ, उसके मुख की मुस्कान इतनी मादक है, इतनी मोहक है कि उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना बहुत मुश्किल है। मैं उससे प्राप्त सुख को नहीं संभाल सकूंगी, यानी कि मैं उसकी आवाज़ को तो सुनने से बंद कर लूंगी, लेकिन जब वो मेरे सामने आ जाएगा तो उसकी मुस्कुराहट को देख करके मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। ये बात कोई गोपी कह रही है। तो चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को विवश क्यों पाती हैं, ये प्रश्न है आपका NCERT की बुक में। तो इसका उत्तर है, चौथे सवैये के अनुसार कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है और उनकी मुरली की धुन भी बहुत मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। गोपियां कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर आसक्त हैं, इसलिए वे कृष्ण के समक्ष विवश हो जाती हैं, मजबूर हो जाती हैं। ये कृष्ण जब उनके सामने आकर मुस्कराते हैं तो वे अपने आप को नहीं संभाल पाती हैं। ये हुआ इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। माई रेवा मुख की मुस्कान संहारी न जय है, न जय है, न जय है। तो उत्तर है, इन पंक्तियों में भाव ये है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी ज़्यादा मोहक है, ये गोपियाँ उसको देखकर अनदेखा नहीं कर पाती हैं। यानी कि कृष्ण की मुस्कान पर गोपियाँ इस तरह मोहित हो जाती हैं कि लोक लाज का भी उनको डर उनके मन में नहीं रहता है और वो कृष्ण की तरफ खींची चली जाती हैं। अगला है, श्री कृष्ण की मोहक मुस्कान का गोपियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर है, श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान तो गोपियों को विवश करती ही है, लेकिन तब वो अपने आप को किसी तरीके से रोक लेती हैं। इसके अलावा मोहक सौंदर्य वाले श्री कृष्ण जब मुस्कुराते हैं तो उसके अचूक प्रभाव से गोपियां स्वयं को नहीं बचा पाती हैं, बड़े सहज रूप से श्री कृष्ण की तरफ खिंचती चली जाती है। जहाँ कृष्ण होते हैं, बंसी बजा रहे होते हैं, वो वहीं चली जाती हैं। अगला है, गोपियां कानों में उंगली क्यों डालना चाहती हैं। उत्तर है, गोपियां कानों में उंगली इसलिए डालना चाहती हैं कि जब श्री कृष्ण मुरली की मधुर ध्वनि छेड़ें तो ऊंची ऊंची टारियों पर चढ़कर गोधन गाएं तो श्री कृष्ण का मधुर स्वर उनके कानों में ना पड़े। वो मुरली की मधुर धुन सुनकर श्री कृष्ण के वश में नहीं होना चाहती हैं, वो उनके कंट्रोल में नहीं जाना चाहती हैं, इसलिए वो उनकी मुरली की मधुर धुन सुनना नहीं चाहती हैं और इसीलिए वो अपने कानों में उंगली डालना चाहती हैं। श्री कृष्ण की मुस्कान गोपी पर क्या असर डालती है। तो उत्तर है, श्री कृष्ण की मुस्कान आकर्षक और प्रभावशाली है। उनकी मुस्कान के प्रभाव से गोपी अपने वश में नहीं रहती, वो श्री कृष्ण की तरफ खिंचती चली जाती है। ये असर उस पर श्री कृष्ण की मुस्कान का पड़ता है। अगला है, गोपी श्री कृष्ण की मुस्कान को कैसा बताती है। तो गोपी जो है, उत्तर है इसका, श्री कृष्ण की मुस्कान को आकर्षक और प्रभावशाली बताती है। अगला प्रश्न, गोपी क्या देखकर स्वयं को नहीं संभाल पाती है। तो उत्तर, गोपी श्री कृष्ण की मोहक मुस्कान को देखकर स्वयं को नहीं संभाल पाती है। अगला प्रश्न है, काली को कितनो समझे है में कौन सा अलंकार है। काली का मतलब कल को, काली को कितनो समझे है में देखिए आप क क क की आवृत्ति हो रही है और मैंने आपको बताया था
कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर काली कोई कितनो समझे है में क क क हमारा आया है, तो यहाँ पर ये हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया। ये था हमारा चौथा सवैया, इससे जुड़े हुए थोड़े से मैंने MCQ बनाए हैं। गोपिका से क्या नहीं संभाली जाती, कृष्ण के मुख्य मधुर मुस्कान, किनारीदार साड़ी, धन और संपत्ति या ब्रज। तो यहाँ पर मधुर मुस्कान नहीं संभाली जाती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है, काली कोई कितनों समुझे है पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो अलंकार मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बेटे यमक अलंकार में पूरा वर्ण जो शब्द होता है वो बार बार रिपीट होता है और उसका अलग अलग मीनिंग होता है। रूपक में क्या होता है कि हम किसी और चीज़ का रूप दे देते हैं, और श्लेष में बात एक ही बार कही जाती है और उसके दो या ज़्यादा मीनिंग निकल रहे होते हैं। तो यहाँ पर काली कोई कितनों समझे हैं में क रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार है। अगला है, जब श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई देगी तब गोपियाँ क्या करना चाहती हैं। ऑप्शन है, वो ध्यान से सुनना चाहती हैं, वो अपने कानों में उंगली डालना चाहती हैं, वो भी मुरली बजाना चाहती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा है कानन में उंगली दे रहे वो, तो यानी कि वो अपने कानों में उंगली डालना चाहती हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मुरलीधर किसे कहा गया है, श्री कृष्ण को, श्री राम को, शिव को या विष्णु को। तो हमने पढ़ा है ये जो हमारा सवैया था ये श्री कृष्ण को लेकर के ही है, इसलिए यहाँ पर मुरलीधर श्री कृष्ण को कहा गया है। और वैसे भी मुरली श्री कृष्ण बजाया करते थे, श्री राम या शिव या विष्णु के मुरली बजाने का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इससे कुछ और प्रश्न मैंने बनाए हैं कि गोपियाँ कैसा श्रृंगार करना चाहती हैं। गोपियों का श्रृंगार जो था आपका इससे पहले वाले में आया था, वो प्रश्न हम दोबारा कर लेंगे। आगे, रसखान के काव्य की विशेषताएँ बताइए। भाषा इनकी ब्रज होती है, अलंकृत भाषा होती है, साथ में व्यंग्य का इस्तेमाल करते हैं और सद्दुक कड़ी भाषा है, ये हम इसकी विशेषताएं लिख देंगे। कवि मनुष्य रूप में कहाँ जन्म लेना चाहता है, मानव स्वभाव तो वही ब्रज को है ना, तो ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं, ये हमारे पहले सवैये का है। कवि किसके बदले में तीनों लोगों का राज्य छोड़ने को तैयार हैं, ये हमारे दूसरे सवैये से प्रश्न है। जो तीनों लोगों का रोज छोड़ने को तैयार वो हैं उस कम्बल और लाठी के लिए, वो तीनों लोग का रोज राज्य छोड़ने को तैयार थे। गोपियाँ स्वयं को किन कारणों से विवश में अनुभव करती हैं, गोपियाँ अपने आप को श्री कृष्ण की मुस्कान देखने के बाद मजबूर अनुभव करती हैं, विवश अनुभव करती हैं। अगला है, गोपियाँ श्री कृष्ण द्वारा बजाई बांसुरी की तान को क्यों सुनना नहीं चाहती। तो गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण की बांसुरी को सुनने के बाद खुद को उनके अधीन महसूस करने लगती हैं, उनको लगता है कि वो श्री कृष्ण की बांसुरी की गुलाम हो गई हैं और वो ऐसा चाहती नहीं है, इसलिए वो चाहती है कि वो श्री कृष्ण की गोपी की जो बजाई हुई बांसुरी है उसकी आवाज़ को सुने ही नहीं। तो ये था हमारा चौथा सवैया जो कि ख़त्म हो गया। तो चारों के चारों सवैया हमारे कंप्लीट हो गए हैं बेटे, इनको आप देख लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। ब्रज भाषा के सवैये हैं ये, थोड़ी बहुत जटिलता आपको ज़रूर आएगी, लेकिन अगर आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको बड़े आराम से ये भाषा समझ में आने लग जाएगी, क्योंकि ये भी हमारी हिंदी की ही भाषा है। तो शुभ रात्रि बच्चों।